हूं शरभ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। ईशा न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी और अहम खबर, जहानाबाद में भी कोरोना वैक्सीन का पहला टीका जहानाबाद सिविल सर्जन के ड्राइवर को लग चुका है। जहानाबाद जिलाधिकारी नवीन कुमार ने इसकी शुरुआत की और उन्होंने बताया कि जहानाबाद के 5 अलग अलग जगहों पर आज कोरोना वैक्सीन का टीका देना है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जहानाबाद जिले में भी आज कोरोना वैक्सीन का पहला टीका जहानाबाद सिविल सर्जन के ड्राइवर को देकर शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि जहानाबाद जिले में कुल 5 केंद्रों पर आज 100-100 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया जाएगा और जल्द ही और लोगों के लिए भी टीका का इंतजाम किया जा रहा है। फर्स्ट फेज में 5,240 लोग जो रजिस्टर्ड हैं उन्हें कोरोना वैक्सीन का टीका दिया जाना है। मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। आज जैसा कि पहले से निर्धारित समय था, समय और तिथि भी निर्धारित था, आज 11 बजे से हम लोगों ने यहाँ पे कोविड वैक्सीन का इनोग्रेशन किया और कोविड वैक्सीन पड़ना प्रारंभ हो गया। सबसे पहला वैक्सीन हमारे सिविल सर्जन साहब के ड्राइवर को पड़ा है और उसके बाद कंटिन्यू ये चलेगा। जिले में 5 केंद्रों पे ये वैक्सीनेशन प्रारंभ कर दिया गया है और सभी केंद्रों पे 100-100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें SMS के माध्यम से और टेलीफोन के माध्यम से सूचना दी गई है। सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं और इन लोगों को आज 500 वैक्सीन हम लोग आज सभी लोगों को देंगे और यह प्रक्रिया निरंतर चलेगी। 5,239 लोग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जब तक वो लोग कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया जिले में चलती रहेगी। आम आवाम के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएगा सर? जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इसके बाद सुरक्षा कर्मियों को वैक्सीन दिया जाएगा और उसके बाद 60+ और जो को मोबिलिटी जिनको है उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा और बहुत ही जल्द ही आम आवाम के लिए भी सुलभ हो जाएगा क्योंकि ये डेली चलेगा। हाँ, ये डेली चलेगा जब तक हमारा जो फर्स्ट फेज का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं है। सेकेंड डोज 28 डेज बाद लेना होता है और 28 डेज बाद फिर सेकेंड डोज इन लोगों को दिया जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे इन लोगों को वैक्सीन देने के बाद इन लोगों को आधे घंटे प्रतीक्षालय में रखेंगे जहाँ पे इनका ऑब्जर्वेशन रूम है, जहाँ पे इनको ऑब्जर्व किया जाएगा। वहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था की गई है, TV की व्यवस्था की गई है इनके मनोरंजन के लिए और सभी लोग आधे घंटे बैठेंगे और फिर बारी बारी से आधा घंटा समाप्त होने के बाद ये लोग अपने अपने घर को चले जाएंगे।